हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो नए ब्लॉग में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ नया होने वाला है, कुछ और हट के होने वाला है। मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी साड़ियों का कलेक्शन, जो आप सभी लोग देखिए और बताइए मेरी साड़ियाँ कैसी है। आप सबके संग शेयर कर रही हूँ। बने रहें आप ब्लॉग में और देखिए मेरी साड़ियों का कलेक्शन। मैं पहले आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ साड़ियाँ। दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरी 32 साल पुरानी शादी की टाइम की साड़ी, जिसको मैंने बड़े सजो के रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये वो साड़ी है जो मेरी शादी में आई थी मेरे लिए। देखिए कैसी लग रही है। इसको मेरी सासू माता ने मेरे लिए शादी में भेजा था। ये देखिए आपको ये कैसी लग रही है। उस टाइम पर भी देखिए ऐसी बनारसी साड़ी चला करती थी। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके और यूं न्यूज़पेपर में लपेट के रखी हुई है। ये साड़ी है मेरी 32 साल पुरानी। उसके बाद नंबर आता है भाई इस साड़ी का। ये साड़ी है मेरी 25 साल पुरानी। ये साड़ी मुझे मेरे पति देव ने मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट दी थी। ये देखिए कैसी लग रही है ग्रीन साड़ी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है वो साड़ी जो मुझे गिफ्ट में दी थी मेरे पति देव ने। और अब मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ, जो साड़ी मेरी बहुत पुरानी है। पहले पुरानियों से नंबर लगा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये साड़ी भी मुझे गिफ्ट में मिली है भिटौली में। और ये साड़ी को भी हो गए हैं कम से कम 10 साल। ये 10 साल पुरानी साड़ी है। और ये देखिए आप, ये कैसी लग रही है और बिल्कुल ज्यों की त्यों रखी हुई है। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और ये है मेरी साड़ी, ये देखिए आप, एक साड़ी ये है। ये कैसी आपको लग रही है साड़ी, देखिए। ये साड़ी मैंने 2019 में अपनी दीदी के बेटे की शादी में मुझे मिली थी। देखिए कैसी लग रही है साड़ी। ये है वो साड़ी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पुरानी पुरानी साड़ियाँ। पहले ये साड़ी मेरी वो साड़ी है जो मुझे मेरी प्यारी सी दत्त भाभी ने गिफ्ट करी थी। ये देखिए, इस साड़ी को भी कम से कम 12 साल हो गए हैं। और ये साड़ी बहुत ही प्यारी लगती है मेरे को, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया, हल्की, वेयर करने में बहुत अच्छी। और ये साड़ी है सिल्क की। ये साड़ी मुझे दी थी मेरी भतीजी ने, हिमानी पांडे ने। ये देखिए, ये है सिल्क की साड़ी। और दोस्तों, ज़्यादातर साड़ियाँ मुझे मिली हुई हैं गिफ्ट में। और ये साड़ी है मेरी, मेरी बेटी हर्षिता ने बर्थडे पर गिफ्ट दिया था मुझे। ये देखिए, अक्सर आपको मेरे पास लाल, गुलाबी ये ज़्यादा रंग मिलेंगे, क्योंकि मुझे लाल रंग बहुत ही पसंद है। और ये साड़ी वो है। और दोस्तों, ये साड़ी भी मेरी बेटी बनारस से लाई थी, BHU आई थी अपने काम से, IIT BHU में। और ये साड़ी भी वही लाई थी, देखिए, बनारस से। ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है दोस्तों। ये देखिए अगली साड़ी है, ये लाई थी मेरी स्वाति बेटा लखनऊ से। ये मुझे उसने मदर्स डे के लिए गिफ्ट किया था। ये देखिए, ये है मेरी बनारसी साड़ी, मेरी बेटी की दी हुई। और ये साड़ी दी मुझे मेरी बड़ी दीदी ने। ये देखिए कैसी लग रही है, बताइएगा आप लोग। और ये साड़ी भी मुझे ऑनलाइन मैंने मंगाई थी। ये देखिए आप। और ये साड़ी दी थी मुझे लखनऊ में मेरी
कमला मामी जी ने, ये देखिए अपने बेटे के जनेऊ का कितना सुंदर साड़ी है सिल्क की। ये उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गिफ्ट की थी ये साड़ी। और ये साड़ी मेरी बिटौली है, पिछले साल की, अभी बनाई नहीं है। और ये साड़ी सबसे पहले मेरे बेटे ने मेरे लिए ऑनलाइन मंगाई थी अपने पसंद की। देखिए ये कितनी प्यारी साड़ी लग रही है, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है इसकी प्लेटें। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये साड़ी, देखिए ये साड़ी मुझे मेरी दोस्त के बेटी की शादी में उसके ससुराल से यानी राजीव के घर से मिली थी। ये मुझे राजीव की मम्मी ने गिफ्ट करी थी, जो मेरे बगल में हम साथ साथ रहते थे लखनऊ में। तो ये मुझे राजीव की शादी की साड़ी है, इसको मैंने बड़े अच्छी तरह रखा हुआ है, ये देखिए। और ये साड़ी दी थी मुझे स्वाति की दोस्त ने गिफ्ट में, ये देखिए कितनी प्यारी है ये डिजाइनर साड़ी। और साड़ियां तो बहुत हैं दोस्तों, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, बाकी साड़ियां थोड़ी बहुत और दिखा देती हूँ, बाकी साड़ी आपको कल दिखाऊंगी। और ये साड़ी दी है मुझे पुष्पा बेटा ने, जब हम लखनऊ से इनके चाचा रिटायर होके घर आए थे तो उसने मुझे ये साड़ी गिफ्ट करी थी। और ये साड़ी मेरे को मेरी बेटी स्वाति लखनऊ से लाई थी पिछले साल। देखिए ये सभी ने अभी तीजों पर देखी हुई है, मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ थे। और ये साड़ी भी मेरे लिए स्वाति ही लाई, देखिए ये ऑर्गेंजा की साड़ी है, ये बहुत जल्दी बन जाती है एकदम। ये देखिए ये साड़ी कैसी लग रही है और कैसा लग रहा मेरा साड़ियों का कलेक्शन। साड़ियां तो दोस्तों बहुत ही हैं। और ये साड़ी है मेरी लखनऊ की, ये है चिकन वर्क की साड़ी और लाल लाल आपको ज़्यादा दिख रही होंगी। और इधर अब आपको और दिखाते हैं साड़ियां, ये साड़ी भी बहुत पुरानी है, ये साड़ी मैंने बनारस से खरीदी थी, ये बनारस की साड़ी है। ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है, ये साड़ी इस तरीके की है, ये साड़ी भी कॉटन की है और ये साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है बनने के बाद, ये देखिए। और आपको दिखाती हूँ, और अभी साड़ियाँ बहुत सारी हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इधर और साड़ियाँ हैं, देखें थैली में। ये साड़ी मुझे अभी काली चौड़ मंदिर गोलापार के पंडित जी ने गिफ्ट करी, उन्होंने मुझे सुहाग के तौर पे ये साड़ी दी थी। और दी थी ये चुनरी, देखिए ये है वो चुनरी, देखिए कितनी प्यारी चुनरी लग रही है, ये उन्होंने मुझे दी थी पूजा के चढ़ी हुई। और ये जो साड़ी है, ये साड़ी मुझे मेरी जमुना जी जी यानी काम वाली के बेटे की शादी की साड़ी है, ये साड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उन्हें पता है कि भाभी जी को लाल रंग पसंद है तो मुझे लाल रंग ही सब लोग देते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारा लगता है मुझे लाल कलर। और साड़ियाँ कॉटन की बहुत सारी हैं तो आपको मैं दिखाऊंगी, अभी बहुत सारी साड़ियाँ हैं। और कौन कौन सी, ये साड़ी भी मुझे हर्षिता ने दी है, मेरी बेटी ने मुंबई से, ये देखिए कॉटन की साड़ी है, ये उसने मुझे गिफ्ट करी है। और दोस्तों और साड़ी कौन सी हैं, इतनी साड़ियाँ तो मैंने देख ही ली। और साड़ी हैं, ये साड़ी देखिए ये मैंने खुद खरीदी है, बस खरीदी कहने में मैंने एक ये साड़ी खरीदी है ग्रीन रेड। और
ये साड़ी देखिए, कॉटन की साड़ी है। ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल पहनने में और प्राइस बिल्कुल रीजनेबल। अब देखिए आप, साड़ी वाला बैठ गया और इधर साड़ी अभी बहुत सारी हैं। ये साड़ी मैंने इसी साल खरीदी है, 2-3 महीने पहले, क्योंकि सारी लाल हरी थी तो मैंने ये खरीद ली। अब मैं इनको साइड में कर दे रही हूँ। ये कैसा लग रहा है आपको मेरे साड़ियों का कलेक्शन? ये मुझे मेरी दीदी ने दिया, बहुत सॉफ्ट कपड़ा, मुलायम मुलायम बिल्कुल। और ये साड़ी बहुत ही खास साड़ी है, बहुत बहुत ही खास। ये साड़ी मुझे मेरी मामी जी यानी मेरे पति देव की छोटी मामी जी ने एनिवर्सरी, जब मैंने 25वीं सालगिरह मनाई थी, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दी थी। देखिए कितनी प्यारी साड़ी है ये। ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद है, ये बहुत हल्की और बहुत प्यारी। ये देखिए बहुत ही हल्के कपड़े में, तो ये मुझे मामी जी ने दी थी, ये 2017 में दी थी मुझे। और एक साड़ी ये है, इस साड़ी के संग तो भाई बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। ये हम घूमने गए थे जयपुर और हम वहाँ से लाए, मैं और मेरी प्यारी सी दोस्त हेमा भाभी। हमको तो भैया इसमें बड़ा ही ठग दिया, खूब खुशबू आएगी खुशबू आएगी, खुशबू खुशबू कुछ नहीं आई भाई इसमें तो। भाई थोड़ी देर खुशबू आई और हम ले आए खरीद के, वो बोला इसमें चंदन की खुशबू आएगी, इसमें कोई खुशबू नहीं आई। ये साड़ी वो साड़ी है, देखिए इस तरीके से। ये मेरी सारी साड़ियों का कलेक्शन। अभी मेरे पास बिना फॉल लगी हुई ये साड़ी है, जो साड़ी गिफ्ट में मिली है, इसको शायद फॉल ना लगाऊं। और एक साड़ी ये है, ये देखिए कलर आपको सारे एक से मिलते जुलते मिलेंगे। ये साड़ी देखिए, ये साड़ी भी ऑनलाइन ही मंगाई है, ये साड़ी है। और एक साड़ी जी ये है, ये भी मिलती जुलती कलर की है, ये साड़ी भी मुझे मिली हुई है। और दूसरी साड़ी कौन सी दिखाएं? अब ये साड़ी मैंने अभी मई में खरीदी, जो मैं अपनी बेटी के पास गई थी मुंबई, हल्के कलर की, ग्रे कलर की सिल्क की साड़ी है ये। ये भी मैंने ही खरीदी। और अब आपको दिखाती हूँ दो साड़ियों का और कलेक्शन। ये देखिए, ये मुझको कॉटन की साड़ी मेरी बहन जी ने दे रखी है, हमारी छोटी बहन जी है ना, गोलापार वाली। ये साड़ी कॉटन की अभी अभी फॉल लग के आई है, अभी मैंने ये वेयर नहीं की है। अब इतनी साड़ियाँ वेयर करके तो दिखा नहीं सकती, इसलिए ये देखिए, ये कॉटन की साड़ी बहुत प्यारा कलर है इसका। ये देखिए कितनी सुंदर। और एक इससे भी खूबसूरत साड़ी है, कलकत्ता तांत की साड़ी, ये लाई मेरी बड़ी बेटी कलकत्ता से। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है ये साड़ी, बहुत ही खूबसूरत है कॉटन की। इसमें भी अभी अभी फॉल लग के आया है, मैंने अभी ये साड़ी भी नहीं पहनी है और इसको मैं पहनने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी पूछेगी मम्मी आपने क्यों नहीं पहनी। तो दोस्तों आज अब इतनी ही साड़ियाँ दिखा रही हूँ, फिर एक रह गई, ये भी देख लीजिए, अभी तो बहुत सारी हैं। ये है देखिए, हमने उत्तरायणी कौतिक से लिया था ये हमने एक साथ, ये मुझे गंगा ने दिया था भाई। ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है, सिफोन की साड़ी। और अब मेरी साड़ियों का कलेक्शन अभी और है। ये देखिए, ये साड़ी मैंने खुद खरीदी है हल्के कलर की, ये बहुत ही मुश्किल से मैंने एक साड़ी हल्के कलर की खरीदी है, ये देखिए। और एक ये आलिया भट्ट वाली साड़ी है, ये देखिए आप, ये आलिया भट्ट की साड़ी चढ़ी हुई चली है, वही साड़ी है ये मुझे
ये मेरी बेटी की ने दी है, और एक साड़ी ये है जो साड़ी मेरी छोटी बेटी ने ही खरीदी है शादी के टाइम पे किट्टू की। ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है, ये प्यारी सी रेड कलर की, देखा आपने रेड कलर का कलेक्शन ढेरों ढेर, इतना ढेर। और ये साड़ी मिली है मुझे, अभी मेरे भाई के साले की शादी हुई थी वहां से मिली है ये साड़ी। इसका कलर भी अंदर से ग्रीन है लेकिन पल्ला इसका रानी है, साड़ी वैसे ग्रीन है। देखिए आप ये देखिए, ये साड़ी का वैसे ये कलर है। मेरी साड़ी बहुत प्यारी है, ये देखिए। और अब देखें और कोई साड़ी बची है, बस लग रहा सारी साड़ियाँ फिनिश हो चुकी हैं। लगभग मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं दोस्तों, देखती हूँ। ये है मेरे पास एक और दो और तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक साड़ी और रह गई है, ये भी मेरे लिए हर्षिता ने ऑनलाइन भेजी, तेरह। ये देखिए इसका इस तरीके का लुक है, ये तेरह और इधर चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस, भैया मैं तो पूरी साड़ी वाली हो गई, चौबीस और पच्चीस। ये देखिए कितनी हैवी साड़ी है, हैं 25। अब इनको थोड़ा साइड कर दें तो फिर आपको और दिखाएं। ये देखो 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, 35, 36, 37, 37 अब थोड़ी अलग और कर दें, 37, 38, 39, 40, अरे भाई थोड़ी और अलग कर दें, 41, 42 और लास्ट में मेरी शादी की साड़ी 43, 43 इसको भी थोड़ा अलग करें, 43 ये साड़ियां हो गई 43। और अब बताते हैं आपको 43 40 और इतनी साड़ियां हो गई 51। अब देखिए आप मेरी साड़ियों का कलेक्शन, ये देखिए ये सारी साड़ियां आज आपको दिखा दी हैं, कौन कौन सी साड़ी आपको पसंद आई और कौन कौन सी साड़ी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नए लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के संग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कीजिएगा अगर अगला ब्लॉग और कोई बनाना है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं उस तरीके का ब्लॉग बनाऊंगी। प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।